श्री फतेहगढ़ साहब दे शहर सरहिंद विखे चोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दा एटीएम पुट के लै गए हैं। यह वारदात तड़क सवेर 3 बजे वापरी है। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट माहर भी सदे और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रस्सा पा के किसी गड्डी नाल एटीएम पुटया गया। यह पुलिस प्रशासन की दलील है। फिलहाल चोरों की भाल पुलिस कर रही है। 3 बजे का इंसीडेंट हैगा एटीएम किसी रस्से की सहायता के नाल बन के उन्होंने पुट के लै गए ने। फोर व्हीलर की सहायता के नाल ब्लैक कलर का हैगा फुटेज। तो मैटर एंड इनवैसटीगेशन हैगा व्हीकल की ट्रैक्शन किस पास की गया हैगा तो कुछ फुटेज मिले ने। जो लीड मिली है वो आधार से इन छेती हल किया जाएगा। वक् वक् टीम जो भेज दी गई फील्ड के कैमरे सारे चैक किए जा रहे हैं। ये बंदे वैसे फुटेज के 3 बंदे कवर हुए हैं। बाकी जोड़ा कई बार जो क्रिमिनल हों के पिछले रैकी भी करता है वो बाकी जो तो डिटेल कैमरे सारे फुटेज चैक करा आस पास तो एग्जैक्ट नंबर फिर ही पता लगे। बैंक मैनेजर संजीव कुमार का कहना है कि ATM च रात क्लोजिंग समय 18,88,000 नकदी मौजूद सी जो चोर मशीन सने लै गए हैं। फोन आया सी भी इदा करके ATM पट के लै गए। मैं 7:30 बजे तक पहुँच गया। किन्नी अमाउंट दसी जा रही है? 18,88,000 जी। कदों पाया सी आखिरी बार? कल कैश पाया सी। कल शाम? कल दोपहरे 4.5 लाख पहले से 18 लाख वाला सी पाया से। रात जो क्लोजर बैलेंस 18,88,000। सो इतने वड्डा सवाल कानून व्यवस्था से भी खड़ा हुंदा है अते नाल ही बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी गार्ड बकायदा उत्थे लाया जावे। श्री फतेहगढ़ साहब तो रणजोत की रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी TV।